अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं सिवैया पिज्जा। साउंड्स गुड ना? तो चलिए आइए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। 100 ग्राम मैंने ले ली है यहाँ पर प्लेन वाली सिवैया, और ये दो अंडे लिए हैं, और ये एक टेबलस्पून लिया है मैंने साल्ट, और साल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये स्लाइस है अनियन के, ये स्लाइस है टमाटर के, और कुछ स्लाइस लिए हैं मैंने शिमला मिर्च के, और ये लिया है रेडीमेड मोज़रेला चीज़। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। तो आगे के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये ले लिया है मैंने पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस। अगर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो और ये ले लिया मैंने चॉप की हुई अनियन और कैप्सिकम, जो हम अंडे में फेंटते हुए डालेंगे। तो और ये ले लिया है एक टेबलस्पून स्वीट कॉर्न, और ये ले लिया है एक टेबलस्पून ओरिगैनो, एक टीस्पून हमने रेड चिली फ्लेक्स ली है। तो चलिए आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दबाएं बेल आइकन जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं ले रही हूँ एक ओपन सपॉट, और उसमें मैंने डाला है 1 लीटर पानी, और मैं इसको अच्छे से पहले बॉयल होने दूंगी। पहले नूडल्स डालेंगे तो ये बिल्कुल गली हुई और बिल्कुल पिलपिली सी हो जाएंगी। हमें बिल्कुल 90-95% चाहिए, इसीलिए हम पहले बॉयल करेंगे पानी, और उसके बाद हम इसको सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही बॉयल करेंगे। अगर हमने ओवर कुक कर दिया तो पिज़्ज़ा हमारा परफेक्ट नहीं बनेगा। इसी के साथ साथ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस 4-5 मिनट हमें इसे हल्के हाथ से चलाते हुए बॉयल करनी है। बस एक बॉयल आ जाए उसके बाद हमें इसको स्टेन कर देनी है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक बॉयल आना शुरू हो चुका है। बस अब मैं इसमें हल्का सा आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह की हमें चाहिए। ये 90-95% कुक्ड है, बाकी हम 5% अपना जिस टाइम पिज़्ज़ा बनाएंगे उस टाइम कुक करेंगे। तो चलिए इसे स्टेन कर लेते हैं। स्टेन करने के लिए भी आपको एक टिप बताती हूँ, जिससे ये बिल्कुल ही खिली हुई रहेंगी। तो एक छन्नी ले लीजिए और पानी खोल दीजिए तो नल के नीचे, और ये जो मैंने ले रखी है इसको इसमें स्ट्रेनर में डालें, और उसको बिल्कुल रनिंग वाटर के नीचे हल्के से हल्के हाथ से खोलते रहें, इस तरह से जैसे मैं अब दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह हल्का हल्का सा इसको खोल दें, इससे ये क्या होगा, खुली हुई रहेंगी। ये देखिए एकदम से इसका टेम्परेचर नीचे डाउन चला जाएगा, और ये बहुत जल्दी से ओवर कुक भी नहीं होंगी। तो मैंने ले लिया है एक बाउल, और इन दो अंडों को मैं इस पे तोड़कर डाल रही हूँ। अगर आप अंडा पसंद नहीं करते हैं तो इसमें आप 2 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर डालें, और उसको पानी में अच्छा गाढ़ी गाढ़ी सा फेंट लें, अगर आप वेज पसंद करते हैं। अगर अदरवाइज अंडे का टेस्ट भी इस पिज़्ज़ा में बहुत अच्छा लगता है। तो दोनों अंडे मैंने फोड़ लिए हैं, तो मैं इन्हें अच्छे से फेंट लेती हूँ। जितना हम अच्छे से फेंटेंगे उतना ही इसका फ्लफीनेस हमारे पिज़्ज़ा में आएगा। तो और 2 अंडों के हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना नमक एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 टीस्पून ओरिगैनो, और इसी के साथ साथ मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, और वो वेजिटेबल्स जो मैंने आपको दिखाई थी कटी हुई, और इसको डालकर मैं अच्छे से फेंट लूंगी, ताकि ये जो ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स मैंने इसमें डाला है वो अच्छे से इवनली इसमें मिल जाए। अच्छे से फेंटें ताकि इसमें जो फ्लफीनेस है वो अच्छे से आ जाए अंडे में। जितना अच्छे से फेंटेंगे उतनी अच्छी सी इसकी फ्लफीनेस होगी। तो मैंने ले रही है एक प्लेट, और इसमें मैं सिवैया डाल रही हूँ, और 2 फोर्क की हेल्प से मैं इसको थोड़ी सी खोल रही हूँ। और आप देख सकते हैं हमने जो ठंडे पानी से इनको धोया था ये कितनी खिली हुई हो रही हैं, चिपक नहीं रही हैं। ये ओवर कुक भी नहीं हुई ठंडे पानी से धोने की वजह से। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 2 फिटे हुए अंडे, और इन्हें भी डालकर मैं इनको फोक की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है इवनली।
और हमारी वेजेस भी इसमें अच्छे से मिल जाएं। इसी तरह से हमें इनको मिक्स कर लेना है। चलिए इनको रख देते हैं एक साइड और हम खोलते हैं अपना मोजरेला चीज और इसको कर लेते हैं ग्रेट। तो ये इस तरह का मार्केट में अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है कि आप यही ब्रांड ढूंढें या परेशान हो उसकी वजह से, आपको जो भी ब्रांड इजीली अवेलेबल हो मार्केट में आप उसको ले सकते हैं। और इसको कद्दूकस से या ये श्रेड हुआ हुआ भी आता है, ये आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो ले लीजिएगा। ये देखिए मैंने इनको स्ट्रेट कर लिया है, मैं इसको रखती हूँ साइड और मैं ले लेती हूँ एक पेन और इस पेन को हल्का सा गर्म होने देंगे। बस हल्का सा गर्म होते ही मैं डाल रही हूँ इसमें देसी घी 1 टेबल स्पून और इसको अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से स्प्रेड कर लूँगी, इवनली स्प्रेड कर लूँगी सारे किनारों पर और इसके पूरे बेस पर। इसकी अच्छे से गर्म होते ही फौरन मैं डाल रही हूँ इसमें ये नूडल्स जिसमें हमने अंडा मिलाया हुआ था और इसको स्पैचुला की हेल्प से ही हम बिल्कुल इवनली एक बेस बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से थोड़ा सा स्प्रेड करें और इसकी किनारियों को हल्का हल्का दबा दें ताकि ये बिल्कुल पिज़्ज़ा शेप में बन जाए, हमारा बेस रेडी हो जाए। ये देखिए इस तरह बिल्कुल किनारियों को इवनली कर लेना है सारा जो। और अब हम इसको ढक देंगे 5 से 7 मिनट, तब तक जब तक ये हल्का सा गोल्डन कलर नीचे नहीं ले लेता, ठीक है। मीडियम टू लो फ्लेम पर रखें, हाई फ्लेम पर नहीं रखें, नहीं तो ये जल जाएगी। और अब मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ विदाउट हेल्प ऑफ अ प्लेट, और एक प्लेट को पैन पे रखें और उसको बिल्कुल उल्टा कर दे तो ये पैन में आज प्लेट में पिज़्ज़ा आ जाएगा हमारा और हम उसको फिर सीधा करके इसमें डाल देंगे। ये बहुत ही कन्वीनियंट टिप है जिससे आपका ये पिज़्ज़ा टूटेगा भी नहीं और ख़राब भी नहीं होगा और सीधा सीधा सा बिल्कुल इसकी जो साइड है वो भी चेंज हो जाएगी। तो 1 टेबल स्पून घी मैं इसमें डाल रही हूँ वापस से ताकि दूसरी वाली साइड हमारी अच्छे से सिक जाए। और दूसरी वाली साइड पर मैं लगा रही हूँ वो पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने आपको पहले से मेंशन कर रखी थी। आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इस पे पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर सकते हैं। मेरी इसमें 2 से 3 चम्मच लगी, यानी कि 1 टेबल स्पून इसमें पूरा स्प्रेड करने पर लगा। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें लगा रही हूँ वो वेजिटेबल्स जो मैंने आपको दिखाए थे। ये ऑनियन मैंने सबसे पहले रखी है और आप अपनी टेस्ट और मूड के हिसाब से इसको पूरा डेकोरेट कर सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है जो मैंने दी है वो ही दो, जो आपको पसंद हो आप वो वाली शेप इसको दे सकते हैं इन वेजिटेबल्स को रख कर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पर मैं डाल रही हूँ कुछ ओरिगेनो सीड्स और कुछ चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी कॉर्न। ये देखिए अगर इसमें से आपको जो वेजिटेबल या कॉर्न अच्छे नहीं लगते हैं आप उसको स्किप कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि जो वेजिटेबल्स मैंने लिए हैं आप वो ही डालें, आपको जो मिले इजीली अवेलेबल हो या जो पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। तो इसके बाद अब सबसे लास्ट में हम इसमें ऑन द टॉप हम इसमें लगा रहे हैं मोजरेला चीज़ जो इसका टेस्ट लुक और टेक्स्चर तीनों को बहुत ही प्यारा सा बदल देगा और इसका टेस्ट एकदम ऑसम हो जाएगा। इसको अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेंगे हम पूरे पिज्जा पर। आप देख सकते हैं ये अभी से कितना टेम्पटिंग लग रहा है। चलिए इसमें अब हमने मोजरेला चीज डाल दिया है, बस लास्ट में हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा ऑन द टॉप ओरिगेनो सीड, इससे इसका जो टेस्ट है वो और अच्छा इन्हेंस हो जाएगा। तो 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे फिर से सेकेंड वाली साइड को गोल्डन होने तक इंतज़ार करेंगे। इसी बीच इसका मोजरेला जो चीज़ है वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। 4 से 5 मिनट बाद मैं इसको खोल कर देख रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। और दूसरी वाली साइड भी इसकी बहुत अच्छे से मैं देख रही हूँ, आप देख सकते हैं स्पैचुला की हेल्प से ये बहुत अच्छे से सिक चुकी है दूसरी वाली साइड भी। तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ एक प्लेट में। नाउ इट्स रेडी टू सर्व।
आप अपनी फैमिली के लिए ज़रूर से मेरी इस पिज़्ज़ा रेसिपी को ट्राई करें। इट्स ऑसम, एकदम यमी और एकदम न्यू रेसिपी है। आप ज़रूर से अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं और मेरे रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। तो चलते हैं, मिलते हूँ अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। और प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, सपोर्ट मी। आपकी सपोर्ट के बिना मेरा चैनल और मैं और मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल अधूरी है। तो चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ अगली बार। मुझे दीजिए इजाजत, चलती हूँ। दुआ और खैर में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।